अपने टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज आशीष नेहरा को आज अंतिम विदाई देने भारतीय टीम दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में उतरी थी। हां, भारतीय टीम ने आशीष नेहरा के इस विदाई मैच को 53 रनों से जीतकर मैच को यादगार बनाया और इस मैच के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली है। इस मैच में न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर शिखर धवन व रोहित शर्मा ने भारत को शानदार 158 रन की शुरुआत दिलाई और दोनों के ही शानदार अर्धशतक की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के सामने निर्धारित 20 ओवर में 203 रन का लक्ष्य रखा। रोहित शर्मा ने जहां इस मैच में 55 गेंद में 80 रन की पारी खेली, वहीं शिखर धवन ने भी 52 गेंद में 80 रन की शानदार पारी खेली। चाव बम में लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने नियमित अंतराल में अपने विकेट गंवाती रही और निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 149 रन ही बना पाई। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा 36 गेंद में 39 रन टॉम लाथम ने बनाए। वहीं भारतीय टीम के लिए अक्षर पटेल ने अपने 4 ओवर में मात्र 20 रन देकर 2 विकेट निकाले। वहीं अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे आशीष नेहरा ने इस मैच में अपने 4 ओवर में 29 रन दिए। हाँ, यह हमारे लिए एक निराशाजनक प्रदर्शन है क्योंकि हम इसे बेहतर कर सकते थे। हार के लिए कोई बहाना नहीं है, हमें इससे बेहतर खेलना चाहिए था, लेकिन जो भी हो भारतीय टीम को भी श्रेय देना होगा क्योंकि भारतीय टीम ने बहुत शानदार क्रिकेट खेली। हाँ, लेकिन हमारे स्पिनरों ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन अन्य गेंदबाजों ने खूब रन दिए। मैं एक शानदार करियर के लिए आशीष को बधाई देना चाहता हूँ। मैंने उनके खिलाफ और उनके साथ खेला है, वह मैदान पर व मैदान के बाहर हमेशा से एक सज्जन रहे हैं।